जो इलेक्शन होने जा रहा है 8 फरवरी 2024 का, मुझे या आप लोगों को अगर कहीं से नज़र आ रहा है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, मुझे तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा। जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, एक पार्टी के कैंडिडेट को ओपन कंपेन करने की इजाज़त नहीं है और दूसरों के लिए आरओ साहब, एसी साहब, जो भी अहदेदारान, डीपीओ, डीसीओ, जितने भी अहदेदारान हैं, उनके घरों पे रेड कर रहे हैं और करवा रहे हैं। इवन के हमारे खुद हमारी बार के कमर खानजादी साहब, उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग रखी हुई थी गाँव में, तो वहाँ पे पुलिस ने 4-5 डाले आ गए। उनका जो जलसा, जो कॉर्नर मीटिंग थी, उसको खराब करने की पूरी कोशिश की और वकील को उठा के थाने में ले गए। वो तो हमारी बार मजबूत थी, हमारे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और वकला साहब ने जाके उस पर लगा के घर ले गए, लेकिन वो हुआ। लेकिन ये तो साउंड सिस्टम के FIR दी जा रही है और उनके जो मुखालिफ कैंडिडेट हैं, हमारे जो भी हैं, जितने भी हैं, उनको कोई परमिशन है कि वो साउंड सिस्टम भी यूज़ करें, जलसे भी करें, जो कुछ मर्जी करें। इवन के मुझे दाना एक दो फोन ज़रूर आ जाता है कि हमारा पंप बंद कर दिया गया है, अगर आप उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे तो पंप खुल जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो ये इसी तरह बंद रहेगा। और इसी तरह दूसरे जो हालातों वाकयात पैदा किए जा रहे हैं कि लोगों के घरों के नक्शे बल्दिया वाले ऊपर चढ़ा दिया जाता है कि इसका जी आपने नक्शा नहीं बनवाया, नक्शा बनवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ FIR दी जा रही है। उनके दुकानों का, उनके प्लाजों का, उनके जो बिल्डिंगें बांध रही उनको सील किया जाता है। ये हो रहा है इस माशरे में 2024 का इलेक्शन, 8 फरवरी का, ये चीज़ें आपके सामने आ रही है और आप लोग भी देख रहे हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। हमारी एज ए कुकला कम्यूनिटी में ये एक चीज़ थी कि हम इसका इजहार करें, हमने फैसला किया, आज जो आप लोगों को बुलाया है कि ये आप भी, आप एक माशरे की एक नज़र है, एक चेहरा है जो आप माशरे में रखते हैं, लोगों के बारे में आप लिखते हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया जो भी आपके मीडिया के जरिए आप लोगों को बताते हैं। तो मैं इंसाफ लाइफ ने की है कि हम लोग अभी 2-3 दिन पड़े हैं, अभी टाइम आ रहा है कि क्या लोगों के घरों में रेड आज से फिर शुरू करना शुरू कर दिया कि जो उनके पोलिंग एजेंट उठा लिए जाएं। पोलिंग एजेंट का नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे होगा? तो हमारी कोशिश भी है, आप लोगों को भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग आए हैं तो इस पे लिखें, इसको आला जो जहां तक बात पहुंचा सकें आप पहुँचाएँ, तो इंशाल्लाह ताला ये जो गैर जानबदार इलेक्शन होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा, हम इस पे आज इत्तेजाज भी करते हैं। और ये करवाने वाले जो हैं वो ही आरओ लगा दिए गए हैं, वो ही एसी है, वो ही डीसी है, उसको डीआर लगा दिया गया कि जाके वो अरेंजमेंट करेगा। क्या अरेंजमेंट हो रहे हैं आपके सामने हो रहे हैं? हमें नहीं लग रहा है कि ये गैर जानबदार इलेक्शन होगा। मैं तो यही कह सकता हूँ अल्लाह करे ये हो जाए इलेक्शन, दुआ हमारी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए दुआ है, लेकिन लग नहीं रहा। आपके सामने हालात वाकई सिर्फ यहाँ इस हल्के में नहीं है, पूरे पंजाब में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये हालात है। तो ये इस तरह का इलेक्शन कराने का फ़ायदा क्या होगा? क्या इससे मौशियत मजबूत होगी? इससे तो ज़्यादा बेहतर था जिस तरह वज़ीर आला पंजाब बैठा हुआ साल से, इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी अपॉइंट कर देते, एज ए निगरान कर देते, जो भी करना था, जिसने भी करना था वो कर देते, पाकिस्तान तो चल रहा था, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा, इसको कोई आँच नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला, जब तक हम, हमारी कौम इस पाकिस्तान के बहादुरी के साथ, इन बहादुरों के साथ खड़ी है। वो पाक आर्मी भी हमारी है, लेकिन पाक आर्मी को ये, हमारे उसके हेड को ये सोचना चाहिए कि ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो उसने की है, ये करना था। इससे बेहतर था कि वैसे ही निगरान गवर्नमेंट चलने दें। तो मेरा यही था जो मैंने आपको बता दिया, अब आपका काम है इसको नशर करें, इसको बताएं, इस आवाम को शऊर आना चाहिए और शऊर के साथ साथ जिसके साथ जुर्म हो रहा है, जो अंदर पड़ा हुआ है, उसके ये देखें, एक साइड से उसका फैसला ये किया जा रहा है कि उसकी बीवी के ऊपर एक साइड से ये सजा दी जा रही है कि उसकी वो बीवी है तोशा केस में, दूसरी केस में ये सजा दी जा रही है कि वो उसकी बीवी नहीं है। शर्म ये इंसाफ है, ये अदलिया को भी सोचना चाहिए, नहीं सोचा जा रहा।
लेकिन मुझे हैरानगी इस बात के पे हैरानगी हो रही है कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी क्या कर रहे हैं, इनका ये लेवल है इनकी सोच का, इन लोगों की सोच का, तो अल्लाह हाफिज़ इस पाकिस्तान का भी, इन लोगों का भी। हमें देखें, हमने अपनी कौम का भी सोचना है, इस मुल्क का भी सोचना है, और आप लोगों ने भी सोचना है, इस आवाम ने सोचना है। और इस 8 फरवरी को मेरी रिक्वेस्ट है, अगर फील ही है तो रिक्वेस्ट है कि उस आदमी को जिसने इस पाकिस्तान का आईओ का नाम बताया, तो यह गलत है, इनकी बात की है, जिसने UNA जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का उसने बताया कि इसका मतलब क्या है, वो नडार है, विभाग है, और आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए वो खड़ा है, आपके लोगों को इस पाकिस्तान के लिए खड़ा है। तो मेरी रिक्वेस्ट भी साथ होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ, मैं ये रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ कि उसको बाहर हमने लेके आना है, तो इंशाल्लाह ताला वो आएगा, वो आएगा, वो देखें। उस शख्स ने सब कुछ उसके पास था, उसने क्या कुछ नहीं आप लोगों को दे के गया, लेकिन वो आप लोगों के बच्चों के लिए वो अंदर पड़ा हुआ है। तो मेरी दुआ है आप लोगों भी इंशाल्लाह ताला, रिक्वेस्ट है इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मेरी सारे हल्के के लोगों से रिक्वेस्ट है कि घड़ियाल को याद रखिएगा, तो उसको वोट दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला वो आएगा इंशाल्लाह मेरी। थैंक यू।